भागलपुर में नीतीश भाजपा के खिलाफ राजद के सभी महाघटक दलों द्वारा एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। राजद के सभी महाघटक दल कांग्रेस और भाकपा माले द्वारा भागलपुर के घंटाघर से कचहरी चौक तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया और सरकार के खिलाफ विरोधी नारेबाजी करते हुए सरकार पर बती महंगाई, बढ़ते अपराध एवं गिरते कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा। वहीं राजद के सभी घटक दलों द्वारा प्रतिरोध मार्च कर डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रतिरोध मार्च में राजद महाघटक दल के राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. चक्रपाणि हिमांशु, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी नितेश यादव, कांग्रेस नेता डॉ. प्रवीण कुमार झा, अजय भारती कुशवाहा, कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल सहित काफी संख्या में घटक दल के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान राजद घटक दल के नेताओं ने कहा कि नीतीश और भाजपा की सरकार निकम्मी हो गई है, बिहार सहित भागलपुर में अपराध चरम सीमा पर है। वहीं भागलपुर में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई है, महंगाई आसमान छू रही है, जनता आक्रोश में है, लेकिन सरकार कुछ भी बोलने और सुनने को तैयार नहीं है। बदकारी है यह सरकार, गरीबों पर जुल्म करने वाली सरकार है यह सरकार, लाठी और गोली की सरकार है यह सरकार, निकम्मी सरकार है यह सरकार, पुल गिरने पर नाटक करने वाली सरकार है। सरकार को सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? सरकार को अविलंब इस्तीफा, अपराध के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, उनके सवाल पर सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए। कानून व्यवस्था गिर रही है और नीतीश कुमार सरकार फेल हो रहे हैं, हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। कानून व्यवस्था पर, स्वास्थ्य पर, जो सामाजिक स्थिति है आज के परिवेश में, वो लोगों का जीना दुभर हो रहा है। घटनाएं घट रही है और नीतीश कुमार का अब सारा क्रियाकलाप जो है कि उस पर अटला खत्म हो गया नीतीश कुमार का। हम लोग इसी धरना के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अब कमजोर सरकार है और इस सरकार को अब गिर जाना चाहिए और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार में आज सभी जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय जनता दल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह गिरती हुई कानून व्यवस्था को लेकर किया गया है। बिहार में जिस तरह से जंगल राज का पुनर्वापसी कर दिया गया है नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा, जिसमें बड़े बड़े नेताओं के परिजन भी सुरक्षित नहीं रह गए, उसमें आम जनता का क्या होगा? इसी मुद्दों को लेकर हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं और सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि आपसे सरकार नहीं चलने वाला है। आप फटे हुए मुख्यमंत्री हैं, बैसाखी पर चलने वाली सरकार है, कितना जल्दी हो आप गद्दी खाली करिए। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में शनिवार को श्रावणी मेला को लेकर बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन पहुंचने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने नगर परिषद के सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए श्रावणी मेला में हो रही समस्या के बारे में जानकारी ली। साथ ही नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट एवं जगबीनाथ गंगा घाट का निरीक्षण करते हुए दोनों गंगा घाट में गंगा पूजन करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना स्थानीय पंडित संजीव झा के द्वारा कराई गई। इस दौरान बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार श्रावणी मेला में कांवरियों को बेहतर सुविधा के लिए विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जो गंगा घाट से कांवरिया मार्ग तक पानी, शौचालय, विश्राम स्थल, रेन सेंटर, स्वास्थ्य शिविर, पर्याप्त मात्रा में सुविधा देने का आवश्यक दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरे, सड़क मार्ग को दुरुस्त करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान कटोरिया विधायक निक्की हेम्ब्रम, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष साह, एसडीओ धनंजय कुमार, डीएसपी चंद्रभूषण कुमार, नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू, नगर उपसभापति नीलम देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, थानाध्यक्ष प्रिय रंजन एवं कहलगांव, सबौर, तारापुर, कटोरिया के भी पदाधिकारी एवं जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास, जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सहित एनडीए कार्यकर्ता मौजूद थे। विभाग और जिला प्रशासन और अन्य विभाग सब लोगों ने कई चीज़ों की तैयारी की कर रखी है। जो एडिशनल चीज़ें जो मुझे अभी इन लोगों की चर्चा पहले भी जो शादी मेला को लेकर विभाग की तरफ से जो निर्देश आते हैं सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर या अन्य व्यवस्था को लेकर, क्राउड से लेकर, बाकी कहीं कहीं पर लाइटिंग की व्यवस्था भी करते हैं, तो ये जिला प्रशासन और बिहार सरकार के जो अन्य विभाग हैं, शायद उसमें पीएचडी कहिए, टूरिज्म कहिए, नगर विकास विभाग कहिए, ये सब मिलकर कर रहे हैं। पूरा सार्वजनिक मेला एक अच्छे प्रयास से हो,
इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें और आवश्यकता है, जैसे सीसीटीवी कैमरा की बात आई, तो हमने कहा है जिला प्रशासन से कि वो इसका प्रस्ताव हमको दे, वो सीसीटीवी कैमरा बढ़ाने की आवश्यकता होगी, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाने की आवश्यकता होगी, तो नगर विकास विभाग उसको अपने अंतर्गत करा दे। हाँ, जहाँ पर पूरा विभाग, हर विभाग की तत्परता ये है कि वो भी व्यवस्था वहाँ पर करे। बिहार कैबिनेट और सेंट्रल कैबिनेट से भागलपुर को दो बड़ा तोहफा मिला है। पहला विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का और दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का। मानसून सत्र के पहले बिहार सरकार ने विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए रास्ता साफ कर दिया। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण वास्ते राज्य कैबिनेट से लगभग 89 करोड़ की राशि आवंटित करते हुए वर्ष 2014 में चुनावी घोषणा को 2024 में धरातल पर उतारा है, जबकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में 500 करोड़ की राशि आवंटित की थी। अब उस राशि में बढ़ोतरी भी हो सकती है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के बजट सत्र में शायद भागलपुर के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की भी प्रबल संभावना दिख रही है। कहीं तो औपचारिक घोषणा बाकी है। भागलपुर में हवाई जहाज संघर्ष समिति और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण समिति ने अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया था। इलाके के एमपी, एमएलए, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यवसायी, पत्रकार समेत तमाम संवेदनशील नागरिकों की चाहत थी कि भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर प्रयास हो। भागलपुर के डॉक्टर डीएम नवल किशोर चौधरी ने बेहतर पहल किया और विकासोन्मुख परिणाम दिखाई दिए। सबसे बड़ी बात तो जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, इसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और इससे भागलपुर जिला ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो स्वर्णिम अक्षरों में हमारा नाम था, पुनः उन अक्षरों को पुनः दोहराया जाएगा और यहाँ यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावे जो आसपास के लोग हैं, भागलपुर है या उसके आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, इन यहाँ एंसिलियरी इंडस्ट्रीज भी डेवलप करेगी, लोगों को काफ़ी हजारों की संख्या में रोज़गार मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि एक अलग वातावरण उत्पन्न होगा, शिक्षा का वातावरण उत्पन्न होगा, इसमें बहुत लोगों को फायदा होगा। मैं समस्त भागलपुर वासियों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। कोसी और गंगा से घिरा नवगछिया अनुमंडल में छात्रों को शिक्षित बनने के लिए सरकार ने नवगछिया में मदन अहिल्या महिला कॉलेज का निर्माण तो करवा दिया, मगर दूर दराज से नवगछिया पढ़ने आने वाली गरीब छात्राओं के लिए कई वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास धूल फांक रही है। इसको लेकर कॉलेज की छात्राएं आज से आमरण अनशन पर बैठी है और उनकी मांग है कि कॉलेज में वर्षों से बनकर तैयार छात्रावास को चालू किया जाए। वहीं आमरण अनशन के दौरान एक छात्रा बेहोश हो गई, जिसके बाद आमरण अनशन पर बैठी छात्राओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। आपको बता दें कि नवगछिया पुलिस जिले के एकमात्र महिला कॉलेज होने के साथ साथ नवगछिया से सटे जिला कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा, बांका, भागलपुर के छात्रा भी लाभान्वित होते हैं। दूर से आने के कारण वैसे छात्रा रोज कॉलेज नहीं आ पाते हैं, जिससे उनका 75% हाजिरी पूरी नहीं हो पाती है। वैसे छात्राओं को रहकर पढ़ाई करने के लिए कॉलेज कैंपस में 2 छात्रावास का निर्माण भी करवाया गया है, मगर वह आज तक चालू नहीं हो सका है। एक छात्रावास वर्ष 2004 में बनाया गया था, जिसे हैंडओवर तो कर दिया गया, मगर वो आज तक चालू नहीं हो सका। वही वर्ष 2008 में एक और छात्रावास का निर्माण कराया गया, वो अब तक हैंडओवर नहीं किया गया है। दोनों छात्रावास का आलम यह है कि वह खंडहर में तब्दील हो चुका है। छात्रावास को चालू कराने को लेकर छात्राओं ने लगातार महाविद्यालय में मांग पत्र, विश्वविद्यालय में कुलपति को मांग पत्र, धरना प्रदर्शन भी किया। यहां तक कि छात्रा भूख हड़ताल कर भी बैठी, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन का आंखें नहीं खुला। समस्या तो यहाँ पे बहुत सारी है। पहले तो पानी पीने की सुविधा नहीं है, क्योंकि हम लोग को आयरन वाला पानी पिया जाता है और जाके बच्चे तबियत खराब हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन कॉलेज नहीं आ पाते हैं और फिर जाके बोला जाता है कॉलेज में कि अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो नाम काट करके हटा दिया जाएगा। और फिर दूसरी कि ग्राउंड में मतलब कि पूरा बिखरा हुआ है, ग्राउंड खेलने लायक नहीं है। और तीसरी कि हम लोग एनसीसी के कैडेट्स हैं और फिर भी एनसीसी का रूम दिया नहीं गया है सही से, और ना ही कोई मतलब कि टीचर भी है, तो टीचर्स अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है कॉलेज में, और सब्जेक्ट के भी टीचर नहीं है, और मतलब कि हम लोग को बहुत सारे इतने मतलब कि समस्या है जो कि पूरी नहीं हो रही है। क्या समस्या? समस्या तो कॉलेज में बहुत सारी है,
हमारे क्लीन कैंपस नहीं है, खेलने की सुविधा नहीं है और ना ही तो पानी पीने की सुविधा है और छात्रावास यहाँ चालू नहीं हुआ है। बहुत दिन से बना हुआ पड़ा हुआ है लेकिन इसमें छात्रा रह नहीं सकती है और जब पढ़ाई करने आती है तो बीच में पढ़ाई छोड़ करके जाना पड़ता है क्योंकि उसका ट्रेन आने वाला होता है, उसमें ट्रेन में बैठ के जाना पड़ता है, इसी बीच में वो पढ़ाई को छोड़ के चले जाती है। और फिर एक कॉमन रूम नहीं दिया गया हुआ है और शिक्षक की सबसे बड़ी तो ये है कि शिक्षक नहीं है फिर भी एडमिशन हो रहा है। इसमें छात्राएं बैठी हुई हैं, हमको 15 तारीख को इन लोगों ने पत्र दिया कि हम आमरण अनशन करेंगे। मैंने इनकी समस्याओं को कुलपति को प्रेषित कर दिया, विश्वविद्यालय को सूचना दे दी और कुलपति से मेरी बात भी हुई और कुलपति ने कहा कि मैं गंभीरतापूर्वक इनकी समस्याओं पर विचार करूंगा और उन लोगों को कहिए कि अभी आंदोलन नहीं करे। बैरिया पंचायत के श्रीरामपुर गांव में स्कूल की सरकारी जमीन की मापी शुक्रवार को दिन से ही चल रही थी लेकिन शाम में पंचायत में मारपीट हो गई। इसके बाद मारपीट में जख्मी नाथनगर थाने के 112 के चालक मुखिया सहित अन्य का शिकायत लेकर थाने पहुंचे। हालांकि चालक को आंशिक रूप से चोट लगी है। चालक चित्रंजन यादव का भी घर श्रीरामपुर ही है, वह फौज से रिटायर हुआ है, वर्तमान में 112 का वाहन चलाता है। चित्रंजन ने आरोप लगाया है कि पंचायत के मुखिया प्रमोद यादव के कहने पर ही उसके साथ मारपीट हुई है। वहीं मुखिया प्रमोद यादव ने बताया कि शुक्रवार को पंचायत में एक सरकारी जमीन की मापी चल रही थी। भरी पंचायत में चित्रंजन ने अभद्रता की है, उसके साथ मारपीट नहीं हुई है। इधर नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह का कहना है कि घटना की सूचना है, चालक शिकायत लेकर थाने पहुंचा था, दूसरे पक्ष के लोग भी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, मामले की सत्यता की जांच की जा रही है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोरिया गांव स्थित पछियारी टोया में शुक्रवार को एक दुकानदार द्वारा गुटखा उधार नहीं देना महंगा पड़ गया। संघ के ग्राहक ने उन्हें लोहे के खंते और धारदार दबिया से हमला कर लहूलुहान कर दिया। घायल अवस्था में दुकानदार अपने स्वजन के साथ मधुसूदनपुर थाना पहुंचा और घटना की जानकारी थाना प्रभारी को दी, जहां से पुलिस ने उसे इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल भेजा। दुकानदार बद्री की पत्नी मंदी देवी ने बताया कि राजेश गुटखा उधार मांगने दुकान पर आया था, नहीं देने पर पहले उसने मेरे बेटा मनीष के साथ मारपीट की, फिर पति बद्री बहियार से घर आए तो राजेश के साथियों ने मिलकर उनको गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। वही जख्मी बद्री ने बताया कि राजेश मंडल ने खंती और दबिया से उन पर हमला किया है। मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही गश्ती टीम को घटनास्थल पर भेजा गया, लिखित शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।